साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। ये देखिए फर्रुखाबाद से मैं इस समय गुजर रहा हूँ और फर्रुखाबाद तो आप जानते ही हैं कि आलू के मामले में नंबर वन है पूरे देश में और बहुत ही अच्छी किस्म की यहाँ आलू की पैदावार होती है और ये किसान के लिए ये समय बहुत ही मेहनत का और परिश्रम का है। वो देखिए ये आलू यहाँ तैयार हो रहा है, वहाँ ट्रैक्टर से जुताई चल रही है आगे अगली फसल के लिए। किसान बड़ा मेहनत करता है साहब, उसके परिश्रम के बाद जो है कहीं उसको फसल प्राप्त होती है और अन्य उसके लिए कहीं जानवर हैं, कहीं नील गाय हैं, कहीं अन्य विभिन्न तरह के हैं तो उसे तार फेंसिंग भी कराना पड़ती है। बहुत ही सुंदर तार फेंसिंग देखिए उन्होंने कराई है। सज्जन हमारे किसान साहब हैं श्री राम किशोर साहब का ये खेत है और इन्होंने बहुत ही अच्छी आलू की नई किस्म को इसमें प्रोपोगेट किया है। और इस समय देखिए आलू में अगर आपने अपने गमलों में या क्यारियों में भी लगा रखे हैं तो आलू में इस समय गुड़ाई करिए और उनके ऊपर मिट्टी चढ़ाइए। जितनी अच्छी मिट्टी आप चढ़ाएंगे खाद के साथ, इसमें इस समय पौष्टिक खाद भी डालिए और तो आपकी क्यारी में भी बहुत ही अच्छे इसी तरह जैसे कि खेत में हैं इसी तरह आलू की पैदावार हो सकती है। तो गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाइए। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी नाली सिस्टम के द्वारा जो है आलू को बना रखा है और बहुत ही अच्छा खेत है ये आलू की। चलिए रास्ते में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सभी को प्रेरणा मिले, किसानों का उत्थान हो। किसान ही हमारे देश की पहचान हैं और हमारे जीवन के खाद्यान्न सामग्री से मूल रूप से मूल तत्व से जुड़े हुए हैं और इनका उत्साह वर्धन करना हम सबका एक धर्म है और कर्तव्य भी है। यद्यपि यह समाचार आज समाचार पत्रों में व समाचार चैनलों में सुनने को अवश्य मिल रहा है कि जो किसान आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा था वह आज समाप्त हो गया है। यद्यपि कुछ जनहानि बीच में व कुछ उग्रता इस आंदोलन में हुई थी लेकिन फिर भी यह जितने बड़े रूप में भारत में चला उसके अनुसार देखा जाए तो कोई विशेष बड़ी घटना किसानों के व्यवस्था और किसानों की एक नीति और भारत सरकार के जो सहयोगात्मक रवैया रहा उसके द्वारा घटित नहीं हो सकी। जबकि कुछ बीच में अराजक तत्वों ने इस आंदोलन को उग्र करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब चूंकि माहौल अच्छा हो गया है तथा इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के द्वारा पुनः नए रूप से विचार किया जाने का प्रावधान रखा गया है, अनुरोध है कि भारत सरकार किसानों के सर्व हिताय सुखाय के लिए अधिक से अधिक उनके फेवर में कदम उठाएगी और सराहनीय तथा रचनात्मक व सकारात्मक योजनाएं बनाएगी जिससे भारत का किसान पुनः अपने को विश्व में स्थापित कर सके। इसी विश्वास और इसी आशय से ये मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। सभी लोग इसका प्रचार करें, प्रसार करें जिससे जन जागरण हो और भारत सरकार अच्छी से अच्छी किसानों के हित में योजनाएं बना सके, क्योंकि किसान वो कार्य करते हैं जो एक परोपकारिता का है और परोपकारिता से बड़ा कार्य इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्र, ऐसी हमारी रामायण रामचरितमानस हमको यही ज्ञान देती है। उसी ज्ञान को फलीभूत करना हम सबका कर्तव्य है। थैंक यू।